तो कैसे मैंने अर्न किए 3,000 रुपए कॉइन पे से एक दिन के अंदर, एंड कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सतोशी अर्न कर सकते हो, एंड कैसे उसको रिडीम करना है अपने बैंक अकाउंट में या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हो, एंड कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक बने रहो। हाँ तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट होने वाली है ये थोड़ा अलग तरीके से वर्क करती है, तो अगर आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर दोगे या फिर स्किप कर देते हो तो फिर हो सकता है कि आपको समझ भी ना आए कि इसमें ग्राइंड कैसे करना है, इसे अर्न कैसे करना है, कैसे मैंने अर्न किया है। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, एंड फिर वहां पे जाने के बाद आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी। तो ये कॉइन पे की जो लिंक है यही आपको ले वाली है, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे ये जिस भी ब्राउजर में ओपन होती है इसको ओपन होने देना है, एंड फिर यहाँ ऊपर लिंक पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, एंड फिर आपको जाना है प्ले स्टोर में, एंड यहाँ पे जाने के बाद सर्च करना है कीवी ब्राउजर। एंड मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसका रीजन है, ये एक ट्रिक से रिलेटेड है तो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, एंड यहाँ पे अब हमको लिंक पेस्ट कर देनी है, एंड अगर आप कमेंट सेक्शन वाले लिंक से जाओगे तो उससे ज्यादा अर्निंग कर पाओगे, तो वहाँ पे जो लिंक है उसी लिंक से ओपन करना, एंड फिर यहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइन फ्री पे, एंड यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है अपना अकाउंट, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फिर से पासवर्ड डाल के आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो मेरा अकाउंट अब यहाँ पे साइन इन हो गया है, एंड अगर आप उस लिंक से जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट मिल सकते हैं स्टार्टिंग में, वरना यहाँ पे जीरो दिखाएगा। एंड इसी वेबसाइट पे मैं आगे रिडीम लगा के भी दिखाने वाला हूँ, एंड और भी सारी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो बेसिकली हमको यहाँ से अर्न कैसे करना है, अर्निंग वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन वर्क है सबको करना पड़ता है अर्न करने के लिए, वो है एड्स देखना। तो यहाँ आपको व्यू एड्स में जाना है, एंड यहाँ पे तीन तरीके के एड्स हैं। तो पहले हम लोग सर्फ एड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने सर्फ एड के ऊपर क्लिक किया, एंड यहाँ पे देखो 27 एड्स हैं आज की, एंड ये रोज रिफ्रेश होती हैं, तो आप रोज अर्न कर पाओगे। तो इसमें अर्न करने के लिए यहाँ पे देखो टाइमर लिखा हुआ 30 सेकंड का, 5.1 सतोशी मिलेगा उसके लिए। तो हमको बस ये ब्लू वाले वर्ड्स पे क्लिक करना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नई वेबसाइट ओपन हो रही है, एंड अगर ये ओपन नहीं होती है तब भी देखो 21 सेकंड लेफ्ट दिखा रहा है, एंड यहाँ पे देखो टाइमर चलने लगता है। तो वेबसाइट ओपन हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस जैसे टाइमर चलने लगेगा तो टाइमर के खत्म होते ही हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये तो एक मैनुअल प्रोसेस था, आप ऐसे भी करके पॉइंट्स ग्रैंड कर सकते हो। थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आपको इसका ऑटोमेटिक भी बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इसको कर लेना है डेस्कटॉप मोड में, एंड अब हमको एक नया टैब ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर। तो मैं सबसे पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, एंड एक बात ध्यान रखना इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना, वरना ऐसा एक्सटेंशन ऐड नहीं होगी। एंड फिर यहाँ पे हमको जाना है ऊपर सर्च में, एंड यहाँ पे सर्च करना है टैम्पर मंकी, एंड ये बस आपकी हेल्प के लिए है, अगर यूज करना चाहो तो यूज करो, वरना फिर मैनुअली भी ग्राइंड कर सकते हो पॉइंट्स। तो इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, तो देखो ये ऐड हो चुका है सामने सामने आपके, एंड इसकी एक वेबसाइट ओपन हो गई है। तो हमको जाना है होम पे, एंड अभी जो एक्सटेंशन है इसके अंदर हमको स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड फिर जाना है एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में, एंड फिर यहाँ पे जाना है डिटेल में, एंड यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन ऑप्शन में, एंड जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं पहले, एंड अब इसको पहले डेस्कटॉप मोड कर लेना है, एंड यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, एंड फिर कट कर देना है। तो अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है आपको मिलेगी कहाँ से। तो सबसे पहले अब इसके लिए आपको जाना है फिर से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एंड वहाँ पे ये डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर देना है। तो अभी डिस्कॉर्ड ऐप में ओपन हो जाएगा, अगर आपके में नहीं होगा तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड पीसी में ब्राउजर में चल जाता है। एंड फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है यहाँ वेरिफिकेशन में, एंड यहाँ वेरीफाई लिंक पे क्लिक करके विजिट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है, एंड अब यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना डिस्कॉर्ड पे, एंड फिर वहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना होगा। तो मैं बैक आ जाता हूँ, मेरा वेरीफाई है पहले से, एंड स्क्रिप्ट थोड़ी बड़ी है इसीलिए मैंने इसको डिस्कॉर्ड पे डाला है, वरना फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे सकता था, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको और भी हेल्प होने वाली है। एंड जैसे वेरीफाई कर लोगे बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे, यहाँ आप हेल्प भी ले सकते हो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं आपके हेल्प करने के लिए, मैं खुद भी यहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। एंड स्क्रिप्ट के लिए हमको यह जाना है रिएक्ट फॉर न्यू स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे जाके ये जो टिक वाला मार्क है इस पर क्लिक कर देना है, तो ये ब्लू कलर का हो गया और ये रिएक्ट हो चुका है, एंड बस इतना ही करना था। एंड इसके बाद एंड इसके नीचे यहाँ पे होगा अदर स्क्रिप्ट का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे देखो 5 स्क्रिप्ट हैं, तो जो मेन वाली होंगी वो मैं फिर से यहाँ पे डाल दूंगा, तो जो आपको मेन वाली दिखेंगी तो उनको ओपन करने के लिए और कॉपी करने के लिए बस ये ब्लू वाली लाइन पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करते हैं, एंड फिर यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, जो भी ब्राउजर होगा उसमें डाउनलोड हो जाएगी, तो बस एक बार इस पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे ओपन हो चुकी है, एंड अब यहाँ पे क्लिक कर रहेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके अब कॉपी कर लेते हैं, एंड अब इसके बाद आपको जाना है कीवी में, एंड यहाँ पे अब क्लिक करके स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है, एंड जो भी यहाँ पे 2-3 फाइन स्क्रिप्ट डालने वाला हूँ उन तीनों स्क्रिप्ट को ऐसी अलग अलग करके ऐड कर लेना है। तो पहली वाली को ऐड करने के बाद
हमको यहाँ ऊपर जाना है एंड यहाँ फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है एंड दूसरी वाली को ऐड करने के लिए यहाँ फिर से प्लस पे क्लिक करना है एंड फिर से सेम प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एंड फिर मिलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 3 स्क्रिप्ट ऐड कर ली हैं एंड आपको इतनी ऐड करनी होगी एंड मेनली जितने मैं वहाँ पे देने वाला हूँ उन सारी को ऐड कर लेना, 3 या 4 अलग अलग। एंड उसके बाद हमको अब जाना है कॉइन पे में वापस एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड थोड़ा टाइम वेट करना होगा। एंड देखो नई वेबसाइट ओपन हो गई है एंड यहाँ वापस चलते हैं एंड ये देखो इसका टाइमर भी चलने लगा है। तो 60 सेकंड के बाद हमको 5 सतोशी मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप फोन चार्ज पे लगा के छोड़ देते हो तो बस अगर फोन ओपन रहेगा तो ये पॉइंट्स ग्राइंड होते रहेंगे एंड आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसा कि अभी ये टाइमर चल रहा है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो जिसको भी ये लगता है जिन्होंने कॉइन पे पहले यूज़ किया हुआ है कि ये आप कम अर्निंग करवाता है तो पहले तो आप ये वीडियो के एंड तक बने रहो, बहुत सारी ट्रिक्स और मैं खुद भी रिडीम करके दिखाने वाला हूँ एंड ये मुझे सतोशी मिल चुके हैं। एंड उसके बाद भी आप एक बात ज़रूर याद रखना कि आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसमें पॉइंट जरूर ग्राइंड करना रोज के रोज एंड हो सकता है आप इस अकेले ऐप से, सबका डिपेंड करता है अलग अलग, कि इतनी अर्निंग ना कर पाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो को सपोर्ट करो जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हो एंड मैं और अर्निंग ऐप लेके आता रहूंगा एंड सबकी ट्रिक्स भी लाने वाला हूं। तो ये मत सोचना कि इस ऐप से बहुत कम अर्निंग होती है, मैं कर रहा हूं बहुत ज्यादा अर्निंग एंड बहुत सारे लोग कर भी पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये साइट अपने आप ओपन हो गई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है एंड 30 से 40 एड्स रोज आती रहती हैं तो इसके पॉइंट्स ग्राइंड हो जाएंगे एंड आपको बस खोल के छोड़ देना है इस वेबसाइट को एंड पॉइंट्स ग्राइंड होते रहेंगे जैसे मेरे हो रहे हैं एंड मैं उसको बाद में कंप्लीट कर लूंगा। एंड अब 3 डॉट पे क्लिक करते हैं एंड ऐड में देखो 3 तरीके ऐड हैं, सर्फ ऐड, विंडो ऐड, आर्टिकल ऐड। तो अब हम लोग विंडो ऐड में जाएंगे एंड यहाँ पे 13 ऐड हैं तो ये सारी ऐड भी ऑटोमेटिक देख लेता है एंड ये आर्टिकल ऐड ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट तब भी ये एक स्क्रिप्ट है तो कभी कभी गलती हो सकती है एंड कभी कभी हो कि ना ग्राइंड हो, तो आप समझ सकते हो बात को एंड मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा अगली बार से। और एंड ये तरीका वैसे भी ऑप्शनल है, आप मैनुअली भी ग्राइंड कर सकते हो सारे। एंड अब यहाँ से एक और मेन पॉइंट जो है ग्राइंड करने का या फिर अर्न करने का, वो है ऑफर्स। तो ये ऑफर्स की बात मैं आगे करता हूँ एंड इसकी कुछ बहुत तगड़ी ट्रिक्स है मेरे पास जिसे मैं भी अर्न कर रहा हूँ एंड आप भी कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जितने भी लोग अर्न करते हैं वो शो करता है एंड सब लोग अर्न कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें रिडीम कैसे करना है और रिडीम किए हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है या फिर उसका गिफ्ट कार्ड कैसे लेना है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर आपके मनचाहे ब्रांड का। तो सबसे पहले हमको होम पेज में आ जाना है डैशबोर्ड में एंड फिर हमको यहाँ विड्रॉ में जाना है एंड यहाँ पे देख लो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्रिप्टो और गिफ्ट कार्ड। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा या फिर क्रिप्टो वाला ऑप्शन उनको डिफिकल्ट लगे तो वो लोग गिफ्ट कार्ड लेने का सोचेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट कार्ड कितने हैं इसमें। तो मैंने गिफ्ट कार्ड पर क्लिक किया एंड ये देखो यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट कार्ड हैं बट ये कुछ खास नहीं है, सारे बेकार गिफ्ट कार्ड्स हैं एंड ये बेसिकली इंडिया में अभी ज़्यादा आए नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे US सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट कार्ड हैं। बट आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, मेरे पास ट्रिक है जिससे हम लोग सारे गिफ्ट कार्ड ले पाएंगे इसमें हो या ना हो। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे अमेज़ॉन, एयरबीएनबी, एप्पल सारे गिफ्ट कार्ड हैं। कुछ दिनों में यहाँ पे अमेज़ॉन का भी आ जाएगा। बट अभी के लिए अगर हमको रिडीम करना है गिफ्ट कार्ड तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा या फिर बैंक अकाउंट में पैसे लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस में पीसी ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा। तो पीसी में आ जाता हूँ, पहले 3-4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक वॉलेट ढूंढना पड़ेगा, क्रिप्टो वॉलेट जिसमें हम लोग पैसे ट्रांसफर ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वॉलेट जो होने वाला है तो उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए आपको जाना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं सारी लिंक एक बार में डाल दूंगा, अगर आपको लिंक ऊपर ना दिखे तो रीड मोर पर क्लिक कर लेना एंड सारी लिंक यहाँ पे दिख जाएंगी। तो वहाँ पे एक्सोडस के लिए, एक्सोडस वॉलेट की, तो वहाँ से तुम उसकी वेबसाइट पे आ जाओगे। एक बार सर्च करके ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखो पीसी के लिए तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बट मोबाइल के लिए हम लोग प्ले स्टोर पे जा सकते हैं एंड सर्च एक्सोडस वॉलेट तो वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर लेना है या फिर जो भी तुम्हारा है एंड यहाँ पे उसकी फाइल डाउनलोड कर लेनी है, मेरे पहले से डाउनलोड, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ एंड डाउनलोड होने के बाद तुम लोग यहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से मैं एक्सोडस ओपन कर लेता हूँ, मेरे में इंस्टॉल था पहले से। तो जैसे तुम इस वॉलेट को इंस्टॉल करोगे हमारे में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बैलेंस नहीं दिखाने वाला है, 0 दिखाएगा। मैंने ट्रांसफर लिया तो मेरा बैलेंस दिखा, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है इसमें। बट अब एक हैरानी की बात होगी तुम्हारे लिए कि इसमें हमको लॉगिन नहीं करना है, कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी, किसी से लॉगिन नहीं करना है। जैसे तुम इसको ओपन करो तुम्हारा एक अकाउंट पहले से बना हुआ होगा तो इसमें तुमको कुछ लॉगिन नहीं करना है। तो अब इससे पहले मैं तुमको बताऊं क्रिप्टो कैसे ट्रांसफर लेना है, मैं तुमको बता देता हूं। अगर तुमको ये सेम अकाउंट अपने मोबाइल में ओपन करना है तो कैसे करोगे, तुमको जाना पड़ेगा यहाँ सेटिंग में एंड यहाँ
रिकवरी फेस है, इसमें जा रहा है व्यू पे एंड यहाँ व्यू सीक्रेट फेस एंड देखो यहाँ पे देखो 12 वर्ड्स का फेस है, जैसे कि 1 से 12 तक का अलग अलग है एक एक वर्ड का, जैसे कि 1 पे कोई वर्ड होगा और 12 पे कोई अलग वर्ड। जब तुम मोबाइल में लॉगिन करोगे तो वहाँ पे तुमको सेलेक्ट करना होगा आई हैव एन अकाउंट, अगर सेम अकाउंट लॉगिन करना है तो, एंड फिर ये तुमको फेस पूछेगा, जैसे 1 पे तुम्हारा कुछ लिखा होगा तो वो फेस, 2nd पे कुछ और वर्ड लिखा होगा वो, 3rd पे कुछ और, ऐसे करके तुमको 12 तक लिखना होगा एंड उसके बाद तुम लॉगिन कर पाओगे। तो ये फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना कहीं पे भी, वरना फिर अगर ये वॉलेट खो गया तो फिर कोई भी तुमको तुम्हारा वॉलेट वापस नहीं दे सकता एंड तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं इसको दिखा नहीं सकता हूँ। पहला स्टेप तो यही था कि इसको इंस्टॉल करना एंड अब सेकेंड स्टेप के लिए पहले हम लोग CoinPio की वेबसाइट पे। तो ये मेरा अकाउंट है एंड अब इसके अंदर मोबाइल में भी सेम करना, अगर विड्रॉ करना है तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। तो गिफ्ट कार्ड मैंने तुमको पहले दिखा दिया है, अब हम क्रिप्टो पे जाते हैं। तो क्रिप्टो पे तुम लोग देख सकते हो बहुत अलग अलग तरीके क्रिप्टो, तो तुम इसमें कोई भी पे आउट ले सकते हो। ये जो बिटकॉइन है इसमें पे आउट लेने का चार्ज भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास 30,000 सतोशी होने चाहिए मिनिमम विड्रॉ लेने के लिए, और इस पर अगर तुम ट्रांसफर करवाओगे तो इस पर ट्रांसफर चार्ज भी बहुत ज्यादा लगता है एंड बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना जिसमें भी तुमको ट्रांसफर लेना हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा ये लिटकॉइन या फिर इथेटर, इन दोनों में से किसी में भी तुमको रिडीम लेना है एंड ये बिटकॉइन की कितनी वैल्यू चल रही है इसको तुम सर्च कर सकते हो लिटकॉइन टू INR एंड ये देखो यहाँ पे 6,040 रुपये करीबन इसकी वैल्यू चल रही है एंड इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर तुम पैसे को होल्ड करते हो तो। बट अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पैसों को ट्रांसफर लेने के लिए तुमको एक चाहिए होगा लिटकॉइन का एड्रेस, तो ये तुम्हारे लिटकॉइन का एड्रेस होगा जो तुमको मिलेगा तुम्हारे एक्सोडस वॉलेट में एंड यही एड्रेस पर तुम्हारे पैसे आने वाले हैं एंड ये समझ लो तुम्हारा वही एड्रेस है जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होने वाला, वैसे ही कुछ तुम्हारे पैसे लेने के लिए लिटकॉइन का एड्रेस होने वाला। तो अब तुमको तुम्हारा एड्रेस किसे लेना है वो बता देता हूँ, एक्सोडस वॉलेट में एंड फिर यहाँ पे जाना है वॉलेट वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे देख लो सारे अलग अलग तरीके के क्रिप्टो हैं। तो मैंने जैसे कि बताया हुआ था हम लोग लिटकॉइन में और थेटर में, इन दोनों में से किसी में भी पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो मैं अभी तुमको लिटकॉइन का बता दे रहा हूँ, सेम तुमको थेटर के लिए भी करना होगा। तो अब यहाँ पे पैसे रिसीव करने के लिए तुमको ये रिसीव पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुमको तुम्हारा QR मिल गया है, इसको स्कैन करके तुमको यही एड्रेस मिलने वाला है या फिर ये सेम जो एड्रेस है इसको तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसको कॉपी नहीं करने वाले खुद से लिखने वाले हो तो एकदम ध्यान से लिखना, वरना किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे एंड तुमको फिर पैसे नहीं मिल सकते हैं। एंड ये जो एड्रेस मैंने कॉपी किया है इसको हमको पेस्ट करना होगा यहाँ CoinPio में एंड अब इसको ऐड कैसे करना है, तो उसके लिए तुमको जाना है प्रोफाइल में एंड यहाँ पे वॉलेट में जाना होगा एंड फिर यहाँ पे वॉलेट में जाने के बाद तुमको सेलेक्ट करना होगा अपना क्रिप्टो जिसमें भी तुमको पेमेंट लेना है। जैसे मुझे लिटकॉइन में लेना है तो मैंने लिटकॉइन क्रिप्टो सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे अब वो एड्रेस फिल करना है जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था, यही सेम एड्रेस तुमको यहाँ पे इसको CTRL भी करके पेस्ट कर देना है एंड मोबाइल में भी सेम कर लेना है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं लाइव रिडीम करके दिखाऊं, हालांकि मैंने रिडीम किया हुआ है एंड प्रूफ है मेरे पास, एंड अगर तुम लोग प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ लिख देना, मैं उसको डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर दूंगा, तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो अभी एड्रेस डाल के मैं नेक्स्ट कर देता हूं एंड मेरा ये एड्रेस पहले से फिल था तो मेरे में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तुम्हारे में कुछ हरा से लिख के आए और तुम्हारा एड्रेस फिल हो जाएगा यहाँ पे एंड फिर जिसका एड्रेस तुम्हारा ऐड होगा वहाँ पे उसको सिंबल दिखाने लगेगा, जैसे मेरे लिटकॉइन का फेल है उसका एड्रेस दिखा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है एंड एड्रेस ऐड करने के बाद हमको जाना है डैशबोर्ड में एंड डैशबोर्ड में आने के बाद एंड जो विड्रॉ लिखा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से सेलेक्ट करना है लिटकॉइन, लिटकॉइन बेस्ट है तो इसी को सेलेक्ट करना एंड इसका देखो मिनिमम विड्रॉ भी दिखा रहा है यहाँ पे 2000 सतोशी, उससे अगर कम होगा तो हम लोग रिडीम नहीं ले पाएंगे, तो मेरे पास ज्यादा है। एंड जब तुमने प्रोफाइल में ऐड कर लिया होगा वो एड्रेस तो तुमको सेम एड्रेस यहाँ पे भी शो करेगा, एक बार मैच जरूर कर लेना, वैसे तो सेम ही होने वाला है। एंड फिर यहाँ पे हमको डालना है कि कितने सतोशी हमको ट्रांसफर करना है, तो जैसे अगर मुझे 10,000 करना है 10,000 मैंने डाल दिया एंड मुझे लिटकॉइन में इतना क्रिप्टो मिलने वाला, तो अब चेक करते हैं इसका रेट कितना होने वाला है। तो यहाँ पर तुम अगर वो रेट डाल दोगे तो तुमको INR में पता चल जाएगा इसका रेट कितना होने वाला है। ये लिंक मैं डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा या फिर तुम लोग सर्च भी कर सकते हो, तो 360 रुपये करीबन होने वाला है एंड मेरे पास 27,000 है। तो जब मैं इस पर कन्फर्म पर क्लिक करूंगा तो एक बार फिर से कन्फर्म कर दूंगा तो मेरा पेमेंट हो जाएगा, बट मुझे अभी तक करना नहीं है एंड बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ अपनी हिस्ट्री में चल के कि मैंने रिडीम लिया है कि नहीं। तो विड्रॉ में चलते हैं एंड तुम लोग देख सकते हो 84,000 का मैंने विड्रॉ लिया हुआ है एंड ये पेड भी हो चुका है, मुझे मिल चुका है लिटकॉइन में एंड मैं तुमको वॉलेट में दिखा देता हूँ, एक बार देख लो यहाँ पे कितने लिटकॉइन था, 0.52283 LTC एंड चलते हैं वॉलेट में लिटकॉइन में एंड यहाँ पे देखो रिसीव 0.52283, सेम बैलेंस मुझे रिसीव हो चुका है एंड इसकी वैल्यू करीबन 3,000 रुपये है। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ तुमको कितनी वैल्यू है इसकी, तो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3,150 रुपये है अभी प्रॉफिट में इस वजह से एंड मैंने जब रिडीम लिया था तो थोड़ा कम पैसा था इसलिए मुझे 2900 ही मिला
एंड ऐसे करके तुम लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। एंड एक बात ध्यान रखना कि जब तुम लोग रिडीम लगाओगे तो उसके 3 दिन के अंदर ही ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैंने 21 तारीख को लगाया था एंड मुझे एक बार चेक कर लेते हैं 23 तारीख को करीबन मुझे 22 तारीख को रिडीम मिल भी गया एक दिन के अंदर। तो तुमको हो सकता है 3 दिन के अंदर मिले, बट इससे रिडीम हो रहा है एंड मैं भी अर्न कर रहा हूँ। तो जब तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो तुम्हारी इंडियन करेंसी में वो दिखाएगा नहीं, तो उसके लिए तुमको जाना है सेटिंग में एंड फिर यहाँ जाना है पर्सनलाइज एंड यहाँ पे अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। इंडियन में करोगे तो तुम्हारा जो बैलेंस होगा, मैं वापस चलता हूँ, ये इंडियन करेंसी में दिखाएगा। पहले तो ये USD में सेलेक्ट होता है, मतलब अमेरिकन करेंसी में, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड फिर जब तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे दिखाने लगे ऐड हो जाए तो अब इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से सेंड कर सकते हैं एक दूसरे वॉलेट में, जैसे कि बाइनेंस। एंड बाकी भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो क्रिप्टो टू बैंक लिख दो कमेंट सेक्शन में एंड बाकी सपोर्ट करो सब लोग, तो उस पर वीडियो बना दूंगा। बट अगर मैं भी उसको बताऊंगा तो बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कभी और बात करते हैं उसके लिए। बट अभी हम लोग बात करते हैं इसको गिफ्ट कार्ड में कैसे ट्रांसफर करना है। तो गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए फिर से तुमको जाना होगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एंड वहीं पे तुमको लिंक मिलेगी ये बिट रिलीफ की। तो इस वेबसाइट पे हम लोग क्रिप्टो से गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं एंड देख लो सारे गिफ्ट कार्ड है यहाँ पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फोन पे, स्विगी, गूगल पे, स्टीम, प्ले स्टेशन, एप्पल प्ले, एप्पल स्टोर एंड सारे गिफ्ट कार्ड हैं। एंड कुछ पे तो कुछ पे डिस्काउंट भी है, 1% का, डोमिनोस पे भी 1% का है, बट थोड़े चार्जेस पे लग जाते हैं, थोड़े बहुत चार्जेस तो लगेंगे वैसे भी क्रिप्टो ट्रांसफर करने में। तो अभी मैं दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है यहाँ से ट्रांसफर लेने का, पैसे निकालने का। थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो ये कार्ड तो एकदम अच्छे से देखना। तो जो भी आपको गिफ्ट कार्ड चाहिए वो यहाँ से ऐड कर लो, मेनली सबको अमेजोन चाहिए होता है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखो 2000 रुपए की वैल्यू है यहाँ पे, 0.3555 ऐसी कुछ करके है लिटकॉइन में, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 2000 रुपए, 2000 के गिफ्ट कार्ड को। तो फिर तुमको यहाँ पे गिफ्ट कार्ड दिखाएगा बट तुम्हारा अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे, तो अपना अकाउंट साइन इन कर लेना एंड वो आप लोग कर सकते हो। तो साइन करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करोगे चेकआउट पे, तो देखो यहाँ पे हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा रहा है जितने वो पे करना है। तो अगर तुम्हारे पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगी तभी तुम उसको खरीद पाओगे। अगर तुम्हारे पास जैसे कि अगर 0.35 है एंड बाकी का ये जो डेसिमल के आगे का पार्ट है ये नहीं है, तभी तुम्हारा बैलेंस कम पड़ेगा एंड अभी तो उसके ऊपर कुछ चार्ज और पड़ने वाले। ट्रांसफर करने में वैसे भी चार्ज पड़ते हैं तो इस पर थोड़े और चार्ज पड़ेंगे, तो थोड़ा और महंगा हो जाएगा ये। अब मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये जो वैल्यू है ये डिफर करती है, जैसे कि लिटकॉइन के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं वैसे इसके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो तुम अगर अलग टाइम पे चेक करते हो तो हो सकता है तुमको सस्ता मिले या फिर हो सकता है महंगा मिले, तो थोड़ी तो दिक्कत है बट अर्निंग भी कर पा रहे हो तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। तो अब ऐड करने के बाद यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना जिसमें भी तुमने ट्रांसफर लिया है। अगर तुमने थिएटर में लिया है थिएटर सेलेक्ट कर, जैसे कि मैंने लिटकॉइन में लिया है तो मैं लिटकॉइन सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। एंड अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कौन सा वॉलेट में हमने ट्रांसफर लिया है, तो हम लोगों ने लिया एक्सोडस में, तो एक्सोडस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे आया है पे करने का। तो जैसा कि हमने कॉइन पे से ट्रांसफर लिया हुआ है वैसे ही हमको इस वेबसाइट को पेमेंट करनी होगी। तो अब वो पेमेंट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड मोबाइल में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो सेम प्रोसेस मोबाइल के लिए होने वाला है। तो इसको कॉपी करने के बाद जाना है वॉलेट में जहाँ पे आपका बैलेंस होगा एंड फिर यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो एड्रेस डाल देना है CTRLV करके। तो देखो एड्रेस सही होगा तो टिक मार्क आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हो जो वैल्यू बाहर लिखी होगी वो हो सकता है इस पे थोड़ा ज्यादा चार्ज पड़ जाए, तो वैल्यू पे लिखी होगी ये आपको पे करनी है, तो इसको कॉपी कर लेना यहाँ से। एंड अगर खुद से लिख रहे हो तो ध्यान रखना हल्की सी भी गलती हुई तो तुम्हारा क्रिप्टो फंस सकता है बीच में, तुमको गिफ्ट कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। तो एड्रेस जब तुम कॉपी करके यहाँ पे सेंड में पेस्ट कर दोगे एंड फिर यहाँ पे हमको डालना है क्रिप्टो ट्रांसफर करनी है जो हमने कॉपी की थी वो डालनी है, CTRLV कर देंगे इसको भी। तो देख लो ये सेम वैल्यू है जो यहाँ पे थी इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। तो INR में इसका मतलब हुआ 2140 रुपए एंड इसमें थोड़े बहुत चार्ज पड़े हैं एंड थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। अगर मार्केट ऊपर होती है तो प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो मार्केट जब कम हो तभी रिडीम लो तो थोड़ा सही रहेगा। एंड फिर अगर आपके पास इतना बैलेंस होगा तो यहाँ पे सेंड करने का आएगा एंड सेंड पे क्लिक करके सेंड कर देना। एंड एक बार जरूर ध्यान रखना कि अगर तुमने एक बार इसमें पेमेंट कर दी तो फिर तुम्हारे पैसे वापस नहीं आ सकते हैं, ये कंफर्म पेमेंट होती है। एंड मैंने भी इसमें रिडीम लिया हुआ है, तो जब हम लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो और बनाऊंगा विड्रॉ के बारे में, तो थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है तो इसमें वो भी मर्ज नहीं करना चाहता हूं। तो जब तुम क्रिप्टो ट्रांसफर कर दोगे तो उसके बाद तुमको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ऑर्डर कन्फर्म होने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। तो पेमेंट होने के बाद तुम्हारे गिफ्ट कार्ड यहाँ पे दिखा देंगे, तो मैंने रिडीम लिया हुआ है वो प्रूफ दिखा देता हूँ तुमको। तो माई प्रोडक्ट में चलेंगे एंड देखो माई प्रोडक्ट में 2000 रुपए गिफ्ट कार्ड, 500 रुपए का एंड 400 रुपए का फ्लिपकार्ट का, तो कुल 2900 रुपए एंड प्लस कुछ चार्जेस जो मैंने यहाँ पे सेंड भी किया हुआ है, देख 0.5201533 इतना मैंने सेंड किया हुआ है। एंड मैं जीमेल पे भी दिखा देता हूँ, तो मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसको भी ऐसा लगता है। तो अगर आप सब सपोर्ट करोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, तो देख लो। तो यहाँ पे देख लो
मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया था। एंड ये देख लो, मुझे 2900 रुपए के लिए इतना लिटकॉइन पे करना पड़ा। एंड इसकी वैल्यू कितनी है अभी एक बार चेक करते हैं। तो देख लो, 2900 के ऊपर मुझे 240 रुपए पे करने पड़े, तो थोड़े चार्जेस तो है। एंड वैल्यू का भी डिफरेंस होता है। जब मैंने इसमें पेमेंट किया था तो इतने लिटकॉइन की वैल्यू थी करीबन 3000 रुपए, तो मुझे 100 रुपए चार्ज पड़ा था। एंड अब थोड़ा ज्यादा पड़ा है, तो मार्केट में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो तुमको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। एंड बाकी एक अगर डिटेल वीडियो चाहिए मेरे रिडीम करते हुए, तो उसके लिए बस सपोर्ट करो एंड इस वीडियो पे 300 लाइक करवा दो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। एंड ऐसे करके हम लोग ट्रांसफर ले सकते हैं अपने सतोशी को गिफ्ट कार्ड में या फिर बैंक अकाउंट में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वो ट्रिक्स की जो इन ऑफर वॉल में काम आने वाली है। यहाँ पे अर्न करने के लिए दो तीन तरीके, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं उन सबकी। तो पहले तो सर्वे देना, सर्वे की कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे। एंड फिर ये ऑफर वॉल, एंड ये ऑफर वॉल के अंदर भी सर्वे होते हैं, ये अलग अलग वेबसाइट के हैं, तो इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बारे में बात करता हूँ। एंड फिर ये फीचर, तो ये जो ऐप्स हैं इनमें से मेनली मैंने दो चार ट्राई किए हुए हैं एंड बहुत लोगों ने और भी ट्राई किया है। इनमें से किसी में भी हमको पॉइंट अभी तक नहीं मिले हैं, जैसे कि पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 40,000, 35,000, बट इन ऐप से सतोशी मिले नहीं अभी तक। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन सब में टाइम मत वेस्ट करना, सिर्फ इन सब में। एंड ये जो है ये सब रियल है, इतने सारे लोग अभी भी ग्राइंड कर रहे हैं, ये तो सिर्फ ऑफर्स हैं, सर्वे से अलग हैं। तो मेनली तो जो आपको यहाँ पे दिखे उन्हीं को यूज करो एंड उन्हीं में से मेनली सतोशी मिलने भी वाले। तो जो सर्वे में, इन सर्वे वाले में से मेनली सारे असली हैं एंड सारे पे करते हैं। एंड इसमें से मैं बता दूं ऑफर वाले में से, उसमें से ये एड वाला, ये पहले की दो लाइन तो ज्यादा अच्छा पे करती है एंड बाकी तो ज्यादा मैंने ट्राई नहीं किया है। तो पहले मैं ऑफर वाले की बात कर लेता हूँ, फिर चलते सर्वे पे। एंड जैसे कि मैंने अभी खोला है एड गेट मीडिया के अंदर जो गेम्स है इनको आप खेल सकते हो, इनसे सही में पैसे मिलते हैं। तो अभी तो मैं पीसी में हूँ, तो अगर मैं मोबाइल में होता तो इनको मोबाइल में कर सकता था। एंड जब आप मोबाइल में हो तभी इनको यूज करना, पीसी में लिंक ओपन करके मोबाइल में इंस्टॉल मत करना, मैंने किया हुआ है एंड उससे पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो ऑल ऑफर में जाएंगे एंड यहाँ पे देखो सर्वे कंप्लीट करने पे, रजिस्टर करने पे, इन सब पे इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। एंड बाकी ये सर्वे हैं, तो सर्वे की बात मैं आगे करता हूँ। एंड अब ये देखो AYT स्टूडियो, तो यहाँ पे भी सेम है, आपको इंस्टॉल करने पे, खेलने पे इनको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप ये सब कर सकते हो। पर जो मेन तरीका है अर्न करने का वो है सर्वे, एंड जिनसे बहुत सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे देख लो CPS रिसर्च, पिट लैब्स, इन सबसे भी लोग अर्न कर रहे हैं। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सर्वे में हमको प्रोफाइल कैसे बनानी होती है, किस तरीके की प्रोफाइल बनानी होती है जिससे हमको सर्वे आए एंड हम लोग फिर अर्न कर पाए। तो जैसे कि अगर मैं अभी CPS रिसर्च खोलता हूँ, तो अगर आप अभी आज अकाउंट बना रहे हो तो पहले दिन तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आपको पहले दिन ही सर्वे आना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगने वाला है बट आपको सर्वे आने वाले हैं। तो जैसे कि अगर ये वाला सर्वे है, तो देखो इसके अंदर पहले हमको क्वेश्चन पूछा कि हमारा कौन सा स्टेट है, तो इसमें आपको अपना स्टेट नहीं बताना है। मैंने एक सर्वे प्रोफाइल रेडी की है जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद रेडी की है एंड बहुत टाइम लगाया मैंने सर्वे के प्रोफाइल को रेडी करने में, तो उसके लिए आप सपोर्ट तो करो, बस उतना ही चाहिए आपसे। तो वो सर्वे प्रोफाइल मैंने डिस्कॉर्ड पे अपलोड किया है एंड डिस्कॉर्ड में अदर रनिंग वाले सेक्शन में या सर्वे टिप्स में यहाँ पे अपलोड किया है। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आ सकते हो यहाँ पे। एंड सबसे पहले यहाँ पे आके आपको ये नहीं दिखने वाला है, तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में जाना है एंड यहाँ पे वेरीफाई लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है, विजिट करेंगे एंड यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके ऑथोराइज कर लेना है। एंड इसके बाद देखो मेरा वेरीफाई हो चुका है, एक मिनट का काम है एंड उसके बाद मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर पूरी तरीके से आपके लिए खुल जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे लोगों से बातचीत भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, मैं खुद भी यहाँ पे बातचीत करता रहता हूँ लोगों से एंड जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो करता हूँ एंड और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर यहाँ पे रहोगे तो आपकी हेल्प होगी, तो यहाँ पे बने रहना एंड जो भी अपडेट होती हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे जो सर्वे प्रोफाइल है इसके हिसाब से हमको डिटेल फिल करनी होगी एंड उसी के हिसाब से हमको सर्वे पे आने वाले हैं। अगर आप अपने मन से कुछ भी डाल दोगे यहाँ पे जो पूछा हुआ है आंसर्स में, तो आपको मोस्टली सर्वे नहीं मिलने वाले हैं। मैंने सर्वे प्रोफाइल रेडी की है, यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं अगर ये आंसर डालोगे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सर्वे मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ स्टेट पर डेली, तो हमको यहाँ पे डेली सेलेक्ट करना है एंड अब तुमको यहाँ पे अपनी इनकम सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल प्रोफाइल रेडी किया है, एक एक चीज़ का आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख के जो भी आंसर है उसको फिल कर सकते हो। जैसे कि नाम आपको अपना डालना है, जेंडर आपको अपना डालना है एंड देखो रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मैरिड डालोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये सर्वे मिले। बट तब भी मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे प्रोफाइल है ये मैंने बहुत टाइम लगा के प्रिपेयर तो किया है, बट कभी कभी क्या होता है कि अगर तो कभी कभी क्या हो सकता है, अगर आपके तरीके की प्रोफाइल उसको नहीं चाहिए, उस वेबसाइट को नहीं चाहिए, तो आपको सर्वे ना मिले। बट निराश मत हो, अगर आप डेली भी इसमें सर्वे करते रहते हो, फिल करोगे, प्रोफाइल बनाओगे, तो इससे क्या होगा जो आपकी प्रोफाइल होगी वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी एंड जैसे जैसे आपकी सर्विस
जैसे जैसे आपकी सर्वे प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी आपको अपने हिसाब के सर्वे मिलते जाएंगे एंड फिर आप सर्वे फिल कर पाओगे, आपको सर्वे दिखेंगे, आंसर दे पाओगे सर्वे के। एंड अगर आप चाहते हो कि सर्वे के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में सर्वे लिख देना, थोड़ा टाइम और लगेगा एंड थोड़ी चीज़ें और देखनी है एंड उसके बाद मैं कंप्लीट गाइड वीडियो बना दूंगा सर्वे के। एंड बाकी अभी के लिए अभी प्रोफाइल फॉलो करके भी सर्वे अप्लाई कर एंड मोस्टली कैसे आपको सर्वे मिल जाएगा। बट उसके बाद भी मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने सर्फ एड्स का बताया हुआ है या फिर सारे एड्स का जो बताया हुआ है ये सब ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसमें भी लगा हुआ जैसा मैंने मोबाइल में बताया था। एंड अगर आपको पीसी में समझ नहीं आ रहा है कैसे ऐड करना है एक्सटेंशन को एंड स्क्रिप्ट को तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जीए वाली थी वो वीडियो। एंड उसके बाद आप पीसी में भी स्क्रिप्ट ऐड कर पाओगे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फीचर वर्क करते हैं तो ये वाले फीचर्स करते हो तो इनसे जो भी तुम्हारी अर्निंग होगी ऑफर वाले सेक्शन से पे जस्ट तुमको अर्निंग नहीं मिलने वाली है तो इसमें रैंक भी करोगे। ये देखो रैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो डेली यहाँ पे $120 का लीडर बोर्ड चलता है, तो जितना इसमें अर्न करने वाले हो उसी हिसाब से तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर किसी ने 3000 पॉइंट अर्न किए हैं तो उसको $1 मिल रहा है एंड ऐसे ये बढ़ता जा रहा है $5, $7 एंड और भी है $20 एंड मंथली सर्वे भी होता है $1200 का। तो जस्ट आप सर्वे देख ही नहीं अर्न कर रहे हो, आप लीडर बोर्ड से भी अर्न कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा इस ऐप को जरूर यूज़ करो एंड डेली यूज़ करो एंड डेली अर्न करो। तो अब मैं होप करता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओगे। इतना था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।